हे टेकीज, वेलकम टू आवर चैनल टेक वोटेड। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी M12 के बारे में। सो दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सैमसंग ने फाइनली लॉन्च कर दिया है अपना सैमसंग गैलेक्सी M12 स्मार्टफोन वियतनाम में। एंड ऐसा बताया जा रहा है कि ये फ़ोन इंडिया में एंड और भी कुछ एशियन कंट्रीज़ में जल्द ही लॉन्च होने वाला है। हो सकता है कि ये फ़ोन इंडिया में सैमसंग गैलेक्सी F12 के नाम से आए, बट एनीवेज फ़ोन काफ़ी अच्छा है एंड इंडियन प्राइसिंग भी अग्रेसिव होगी ऐसा बताया जा रहा है। आज के इस वीडियो में मैं इस फ़ोन के बारे में सारी चीज़ें बताऊँगा। बिगिनिंग विद द डिस्प्ले, देन इस फोन में एक 6.5 इंच का TFT डिस्प्ले मिलता है विद HD+ रेजोल्यूशन। AMOLED नहीं है तो एटलीस्ट एक IPS डिस्प्ले मिलना चाहिए था। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो पीछे की तरफ एक मेटालिक टाइप का बैक मिलता है एंड डिज़ाइन की बात करें तो पीछे एक स्क्वायरिश कैमरा मॉड्यूल दिया गया है जो कि अच्छा दिखता है। इस फोन में 3 कलर ऑप्शंस मिलते हैं, नेमली एमरल्ड ग्रीन, एलिगेंट ब्लू एंड अट्रैक्टिव ब्लैक। मूविंग टू इट्स परफॉर्मेंस, एंड ऑफिशियल इसका प्रोसेसर रिवील नहीं किया गया है, बट लीक से पता चला है कि इस फोन में हमें एक्जीनोस 850 चिपसेट मिलता है जिसका अंतुदु स्कोर आता है 150,000 के अराउंड, जो कि मेरे हिसाब से डिसेंट है। नॉर्मल गेमिंग वगैरह कर पाओगे, बट अगर थोड़े बहुत हैवी गेम्स खेलते हो तो माइनर इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। बैटरी की बात करें तो इस फोन में एक 6000mAh की बैटरी मिलती है विद 15W फास्ट चार्जिंग एंड USB Type-C पोर्ट। कैमरा डिपार्टमेंट की बात करें तो रेयर साइड पर एक क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है विच पैक्स ऑफ 48MP प्राइमरी कैमरा, 5MP अल्ट्रा वाइड लेंस, 2MP मैक्रो एंड 2MP डेप्थ सेंसर। ओवर दी फ्रंट एक 8MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। कैमरा में सारे फीचर्स मिल जाएंगे एंड पर्सनली मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे कंपैरेटिवली बेटर सेटअप दिया गया है। कमिंग टू इट्स अदर फीचर्स, देन इस फोन में सारे सेंसर्स मिल जाते हैं इंक्लूडिंग अ साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर। OS की बात करें तो इस फोन में वन UI मिलता है बेस्ड ऑन Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स। प्राइसिंग की बात करें तो सरप्राइजिंगली सैमसंग वियतनाम की ऑफिशियल वेबसाइट पर प्राइसिंग मेंशन नहीं की गई है, बट अकॉर्डिंग टू लीक्स इंडिया में ये फ़ोन इसके प्रीडिसेसर दैट इज M11 के जैसी ही सेम प्राइसिंग पर आएगा। दैट इज़ इसके बेस वेरिएंट की प्राइस हो सकती है 12,000 रुपीज़ एंड आई वुड से ये प्राइसिंग आइडियल होगी। बात करें इसके इंडियन लॉन्च की तो शायद ये F12 के नाम से इंडिया में लॉन्च होगा एंड वो भी बहुत ही जल्द। इन माई ओपिनियन काफ़ी इंटरेस्टिंग फ़ोन है एंड अगर सेम प्राइसिंग पर आया तो काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड लेट्स सी कि आखिर ये इंडिया में कब लॉन्च होता है। वेल, आपके क्या थॉट्स है इसी सैमसंग गैलेक्सी M12 के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर सम अमेजिंग टेक कॉन्टेंट। कीप शोइंग लव एंड स्टे डिवोटेड टू टेक जस्ट लाइक वी डू।